हटाते क्यों नहीं हो यार? दोनों हाथ लगा के बताइए इजाजत दिया है। अरे बाहर करके खींचो यार, क्या तुम इधर से आ जाओ। तो आज ऐतिहासिक दिन है और वो ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि आज हमारे रणवर माननीय साहब श्री काशीराम जी का जन्मदिन है। ललित भाई बाबा ललित भाई वो जन्माने वाले भैया, तुम यहाँ पे थोड़ी क्यों हो बाबा, तुम इसको टच हो रहे हो, कहाँ टच हो रहा हूँ उसके, ये तो गया हमसे। बाबा साहब को और उनके जीवन संघर्ष को हमारे लोगों में इस देश में उनकी तस्वीर उनका दर्शन देने वाले और करोड़ों करोड़ों दलितों पिछड़ों बहुजनों के मसीहा आज हमारे रहमत का जन्मदिन है। और वो ऐसी शख्सियत थी जिनके लिए कोई भी बात कही जाए वो कम है। इस दिन को पूरी दुनिया में ऐतिहासिक बनाने के लिए, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं अगर कोई मिशन मूवमेंट में ईमानदार से काम करेगा तो सफलता निश्चित है। तो ये दिन मैं आज अमर करते और पूरी दुनिया में याद रहेगा, जब एएसपी का झंडा दिल्ली की गद्दी में लहराएगा मैं वादा करता हूं लोगों से, जब जब पार्टी का स्थापना दिवस मनेगा तो माननीय काशीराम साहब को याद किया जाएगा और उनके आदर्शों को हम आज के नौजवानों को उनके दिलों में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। उनकी बात कहने से ही शांति हो जाती, ये ताकत है उसमें। अब मैं क्योंकि मुझे समय बहुत हो गया, आप लोगों को बहुत देर से आप इंतजार भी कर रहे थे, आप तो यहां हैं लेकिन देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने घर से व्हाट्सएप के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से और किसी अन्य माध्यम से इस घड़ी को देख रहे हैं। क्योंकि मैंने उनको रोका कि आप मत आइए क्योंकि परमिशन नहीं है, कोरोना का मामला है और उससे बड़ा एक मामला है जो मेरे जज्बात थे वो ये थे कि दिल्ली में जो हुआ मैं उससे खुश नहीं था। मैं अंदर से तड़प रहा हूं तो मैंने सोचा कि नहीं, आज खुशी मनाने का मतलब नहीं बनता, हम इसलिए पार्टी बना रहे हैं क्योंकि हमें हमारे अधिकारों के लिए आंदोलन करना है, सड़क पे रहना है और सरकार को बताना है कि लोकतंत्र क्या होता है। तो उन तमाम लोगों से जो यहां नहीं पहुंचे माफी चाहता हूं, करोड़ों माताओं से बहनों से बच्चियों से दादियों से अम्माओं से सड़क पर आंदोलन करने वाली तमाम बहनों से हमारे बुजुर्गों से बच्चों से सबसे माफी चाहता हूं कि मेरे मना करने में आप लोग घर से हमें देख रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन दोबारा से खड़ा हो रहा है। अब मैं चंद्रशेखर आजाद, मैं चाहता हूं कि आप मेरे बारे में भी कुछ जान लें, मैं सोचता क्या हूं, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं जानेंगे तो आप बनकर किसी के पीछे चलना भी गुलामी है और उसी गुलामी से आजाद कराने के लिए आजाद समाज पार्टी की नींव रखी गई है आज इस जगह पर। मैं कोई करोड़पति का बेटा नहीं, मेरे फादर कोई MP MLA चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और यूपी से आए हुए तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि एक अध्यापक अगर अपनी जिम्मेदारी को सही तौर पर अदा करे तो जिन बच्चों पर वो मेहनत करते हैं वो बच्चे देश का समाज का भविष्य होते हैं। तो उन्होंने जो आदर्श मुझे दिए उन आदर्शों पे चलने के कारण आज आप मुझे सुनने के लिए यहां खड़े हैं बैठे हैं। तो ये आदर्श जरूरी है। अब मैं जिनकी बात कर रहा था माननीय साहब श्री काशीराम, मैं नौजवानों से अपील करता हूं एक बार उनका जीवन दर्शन उनका संघर्ष पढ़ें, उसे महसूस करें। साइकिल पे पूरा देश नाप लिया उन्होंने, समझ रहे हैं कैसे नापा, साइकिल पे।
कर्नाटक जाते हैं, बिहार जाते हैं, आंध्रा जाते हैं, केरल जाते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां माननीय साहब काशीराम नहीं पहुंचे। मिशन बोलने से नहीं चलता है, मिशन के लिए कैडर ही लोग तैयार किए जाते हैं, और जब कैडर तैयार हो जाता वो लड़ता है, कोई अकेला आदमी मिशन नहीं चलाता। अगर आप चाहते हैं कि ये मिशन चले और इस कमजोर वर्गों को अधिकार मिले, उनकी सुरक्षा हो, तो आपको अपने अंदर कैडर पैदा करना पड़ेगा। और इन तमाम इधर से लेकर इधर तक के नौजवानों को नहीं कहता हूं, इन्होंने तो साबित किया पिछले 5 साल में कि विपक्ष की जगह विपक्ष की भूमिका में बीमारी के लोग खड़े रहे, लाठी का एक डंडे का एक भूकंप में दे और उठ नहीं का। इसी कड़ी में 2-3 नौजवान भाई मेरे साथी कमल सिंह वालिया, मनजीत सिंह नोटियाल सिंह आज भी जेल में। उनका दोष यह है कि वो स्वाभिमानी और झुकना नहीं चाहते। अब एक आरोप भी लगता है, मैं सारी बातें करना चाहता हूं, एक आरोप लगता है कि ये तो मिशन को तोड़ने के लिए और इसी बातों के लिए चंदा कमाने के लिए आ रहे हैं। इस प्रांगण में बैठे तमाम लोग जानते हैं कि भीम आर्मी किसी के सहारे और इशारे पर नहीं चलती है, भीम आर्मी चलती है तो इन तमाम लोगों के खून पसीने की कमाई से चलते जो लोग यहाँ। अगर मुझे व्यक्तिगत तौर पे कुछ करना होता तो मैं किसी भी दल में चला जाता और MP MLA बन जाता। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे भीम आर्मी कोर कमेटी के सब लोग जानते हैं कि 2012-14 सहारनपुर के तमाम लोग जानते हैं, 17-19 तमाम पार्टियों के घर पे दस्तक दी कि आ जाओ और जेल में भी, मगर एक ही सपना था, दो रास्ते थे कि क्या चुनना है। तो माननीय साहब काशीराम, बाबा साहब ज्योतिबा फुले, साहूजी महाराज बैजल साहब का मिशन चुना और ये वादा किया कि जो उम्मीद और विश्वास आप मुझ में देखते हैं उसे मैं कायम करके रहूंगा। एक जरूरी घटना शेयर कर रहा हूं, मेरी जेब में एक पत्र भी है, ये मैंने लिखा था जेल से जब मैं सहारनपुर वाले मामले में जेल गया था। अब जो बात कह रहा हूं भीम आर्मी के तमाम नौजवानों को सीखनी और समझनी चाहिए कि जब जेल गया परेशानियां आई, इतने मुकदमे लगे, मेरे साथ 43 लोग और बंद थे, तो पहले 14 दिन नींद नहीं आई, ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या किया जाए। और 14 दिन बाद 14 के 14वें दिन की रात को मैंने तय किया कि ये पत्र लिख के अपने जज्बात जाहिर किए कि अब तक जब तक जीऊंगा जब तक सांस रहेंगे माननीय साहब काशीराम का मिशन चलाऊंगा, उनके सपने को पूरा करूंगा। फिर 15 दिन सोचा, तमाम लोग जानते हैं जो जेल में रह गया है कि 29वें दिन मैंने फैसला किया कि अब चाहे फांसी लगे, मुकदमे हो, राष्ट्रपा लगे या कोई भी मुसीबत आए, अब ना बिकने वाला समाज और ना बिकने वाले नेता इस समाज में दोबारा से तैयार करने हैं। पिछले 10 दिनों से भी यही हालात है, जो लोग साथ रहते हैं तमाम लोग जानते हैं, रात को 2 बजे मैसेज करते हैं तो 2 बजे जाना मिलता हूँ, 3 बजे मैसेज करते हैं तो 3 बजे जाना मिलता हूँ, 4 बजे मैसेज करते हैं तो 4 बजे जाना मिलता हूँ, क्योंकि एक ही बात कसोट रही है कि आपने जो ताकत बख्शी, आपने जो प्यार मोहब्बत और विश्वास दिखाया उसे आगे बढ़ाना है, वो मैं अकेला नहीं बढ़ा सकता हूं, उसके लिए मुझे आप लोगों का बराबर का सहयोग चाहिए। और ये बड़ा फैसला था, मैंने पहले भी कहा कि तमाम तरह के आरोप लगेंगे, साबित एक नहीं होगा, कुछ सच हो तो साबित हो। तो अब ये तय किया गया कि अब इस देश में वो दल बनेगा जो इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को और उन तमाम लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, उनके संविधान में विश्वास और आस्था रखते हैं, उनको बराबर के अधिकार दिलाए जाएं। तो इसलिए आजाद समाज पार्टी का
उसी दिन जिस दिन हमारे मर्यादा बाबा मान्यवर साहब काजीराम पैदा हुए उसकी घोषणा का दिन रखा। और आप तमाम जानते हैं कितनी मुसीबतें, ताला लगा, परमिशन कैंसिल हुई, दिल्ली की कैंसिल हुई, कितनी मुसीबत आई, लेकिन विश्वास था ये सच्चाई ईमानदारी की लड़ाई इसमें जीत होगी। तो मैंने जैसे कहा कि मैं नहीं सो पाया, मैं कुछ कहना चाहता हूं कि क्या करना है, उसके लिए मैंने कुछ लिखा भी है। और ये वो है जो मेरे जज्बात है, जो मैंने सीखा मिशन मूवमेंट में, इसे आप जरूरी तौर पे सुने। उसके बाद मैं जितने लोग यहां पहुंचे और जिनकी ज्वाइन करानी है, क्योंकि बहुत समय, उन सब की विधिवत ज्वाइन कराई जाएगी, आप सब लोगों के सम्मान का ख्याल रखा जाए, क्योंकि पिछले 4-6 घंटे से आप यहां अड़ी हैं और पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से यहां पहुंचे हैं। तो मैं नौजवान भी इस बात को सुने, हमारी माताएं भी हैं, यहां जुनेद भाई जब भी बैठे हैं, रोहित भाई की माता जी ने, रोहित प्रमुला जी की माता जी ने, उनको वो भी मुझसे बहुत प्यार करते, उन्होंने भी प्यार और आशीर्वाद भेजा है। और देश की तमाम करोड़ों माताओं ने आशीर्वाद भेजा है और ये कहा है कि तू हमारी उम्मीद है, हमें धोखा मत देना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चंद्रशेखर धोखा देने से पहले अपनी जान देना पसंद करेगा, लेकिन समाज के स्वाभिमान को झुकने नहीं देगा। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन लेके आया था मान्यवर साहब काशीराम, वो भी मंजिल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वो कहते थे कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो हर तालों को खोल सकती है। और आज देश में हमारी नागरिकता पे सवाल है, हमारे रिजर्वेशन पे सवाल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की तैयारी की गई और कर दिया गया, हमें बोलने की आजादी हमारी छीन ली गई है, तो हमें गुलाम बनाने की पूरी तैयारी कर देगा, तो हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी कि हम सड़क से संसद का सफर तय करें। इसलिए आजाद समाज पार्टी को बनाया गया। मान्यवर कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, तो मैं कैसे रुकने दूं इस मिशन को, जिसने मेरे जैसे गरीब को, कमजोर को बोलने की ताकत दे दी, मैं कैसे रुकने दूं। अभी तो शुरू हुआ, अभी तो ये कारवा आगे बढ़ेगा, वो दिन दूर नहीं। मैंने कहा ना, आज अनुशासन में कमी थी, ये गैर जिम्मेदार लोग नहीं है, सब जिम्मेदार है, बहुत सारे तो मुझसे सीनियर है उम्र में, लेकिन कुछ चीजें मैं इनसे सिखाऊंगा, इनको कुछ ये मुझे सिखाएंगे, मिशन मूवमेंट चलेगा। मान्यवर ये भी कहते हैं कि स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा को जानते हैं, तो मुझे अर्जेंट कहना बड़ा आसान है, संघर्ष की परिभाषा स्वाभिमानी लोग जानते हैं, जिनका स्वाभिमान मर चुका है मुझे कुछ भी कह सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूं, कुछ लोगों को मुझे लेके शक की भावना हो सकती है, लेकिन जब 3-3.5 या 3 महीने बाद ये काम तेजी से आगे बढ़ेगा, उस सड़क पे खड़े होंगे, इस सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी और दिल्ली की सरकार को भी हम जुबाने का काम करेंगे अपने आंदोलन के जरिए, तो यही लोग सबसे बड़ा समर्थन करेंगे। आप याद रखें, साहब तेरी ने कमाई, ये पंजाब वाले नारे को बहुत देते हैं, दो नारे बड़े फेमस है, साहब तेरी ने कमाई तूने सोती कौम दबाई, वो तो जगा के चले गए। अब क्या हो रहा है, अब तो एक कौम वजूद को भी खो रही है, जो उनका मिशन था बहुजन समाज डूबने की तरफ जा रहा है। एक और नारा लगा के पता है कौन था, साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, अब तुम्हें मौका है पहरा देके ठोकने का, और अब ठोक के पहरा दो। और हम ये देखते हैं कि कैसे, क्योंकि मान्यवर काजीराम साहब ने उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दिए जमीनी तौर पे, वो ये कहते थे कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, याद है, और वोट से लेंगे सीएमपीएम, और वो ये कहते थे, झूठ में नहीं जीना ना, वो ये कहते थे अगर आपको अपना सीएम बनाना है तो पहले अपने डीएम बनाओ,
और अगर आपको अपना पीएम बनाना है तो पहले अपने पीएम बनाओ, सीएम बनाओ। पीएम आपका तब बनेगा जब 6 से 8 प्रदेशों में आपका सीएम होगा। अभी वो सारी कमी पूरी करती है, कमजोर नहीं है हम कहीं भी, पूरे देश में सबसे ताकतवर है बहुजन समाज के लोग। और हमें वोटों के लिए किसी के एजेंडे में काम नहीं करना है मनुवा जी के, ये बिल्कुल हार जाएंगे मेरी, बिल्कुल नहीं करेंगे एजेंडे में काम। हम खुद में 85% वोट वाले, हमें किसी की वोट की जरूरत नहीं, फैलाव नहीं चाहते हैं। जो मान्यवर के और हमारे रहबर बाबा साहब के मिशन पे काम करेगा उसका स्वागत है, क्योंकि संविधान को मानते हैं, संविधान में प्रिंसिपल पढ़ा उस प्रिंसिपल को मानते हैं, और जब मौका मिलेगा तो सबके लिए काम भी किया जाएगा। लेकिन पहला काम उन लोगों के लिए जो इस देश में शोषित है, वंचित है, जिनको ज्यादा हो सकता है। मान्यवर ने एक बात और भी कही कि जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप अमर हो जाएं समाज में, तो आपको बिकना छोड़ना पड़ेगा। और भीम आर्मी के नौजवानों को कोई खरीद नहीं सकता, मैं इस बात की भी गारंटी देता हूं। और आने वाले समय में एसपी के लोगों को भी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ अलग बात है, खरीद नहीं पाएगा, इतना कैडर तैयार करेंगे, इस बात की भी गारंटी देता हूं। मान्यवर के बारे में आखिरी लाइन कि सिर्फ सांसों का रुकना ही मौत नहीं होती, जिनका जमीन मर जाता है वो भी मर जाता है। हम जमीन वाले लोग लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, और हर समाज में इतने महत्वपूर्ण और मजबूत नेता पैदा करेंगे कि उस समाज के जमीनी मुद्दे को भी कोई ढक नहीं पाएगा, उस पर भी काम होगा 100%। और ये राजनीतिक दल हम दुखी होकर बनाया ना, हमने अपने लोगों से जिनसे उम्मीद की थी कि वो काम करें, उन्होंने बंद कर दिया। आप जैसे मैंने कहा मुद्दा थोड़ा ये मिशन तो चलाना पड़ेगा ना, तो जैसे पुलिस प्रशासन जब चाहता बंद कर देता उठा के, मुझे लगा कि नहीं अब बंद करने में समय चला गया, मैं बंद होता हूं तो काम रुकता है। अब बंद नहीं होना है, अब बंद करने के लिए ताकत तैयार कर दी, और जितनी ताकत हमारे पास होगी हम बताएंगे बंद कैसे होते हैं। उनकी विचारधारा पे, उनके आदर्शों पे, उनके दर्शन पे पार्टी चलेगी। और हम यहाँ नौकर बनने के लिए नहीं आए, हम इस देश के शासक हैं, और शासक बनने के लिए आए, इसलिए राज्य दल का निर्माण किया। ये भी मैं एक को छोड़ दूं, एक बड़ा सीख उपाय ये भी चल रहा है कि राजनीति में आने के बाद तो आदमी काम करना बंद कर देता है। क्या मान्यवर साहब काशीराम ने बंद किया? क्या उन्होंने कैडर देने छोड़े? क्या उन्होंने सड़क पे संघर्ष करना बंद किया? बरेली का शराब भर्ती का आंदोलन याद है? मंडल कमीशन के लिए 45 दिल्ली धरना लगाया याद है? क्योंकि झोपड़ियों के लिए, शरणार्थियों के लिए दिल्ली में 6-6 महीने आंदोलन चले, भूल गए क्या? सब जानते हैं आप करना नहीं चाहते और हम रुकना नहीं चाहते। मेरे पास की और तमाम नौजवानों के, विनय भाई की और तमाम नौजवानों के पास, सबके पास रास्ते थे कि वो अपना कैरियर चुने, ये सूरज के पास, सब लोगों के पास रास्ते थे कि वो अपना कैरियर चुने या फिर मूवमेंट चलाए। लेकिन हमने मूवमेंट चलानी पसंद की। कैरियर क्या मान्यवर, तो हमें आजाद करके ना शासक बना दे, तो फिर शासक बनने के लिए नौकरी थोड़ा करेंगे किसी की, तो नौकरी तो बहुत लोग करेंगे जिनको नौकर बनना। हम इस देश में राज करने के लिए पैदा हुए हैं और हम इस देश में राज करेंगे। जो लोग मुझे भाजपा का एजेंट कह रहे हैं, कांग्रेस का, मैं उनको भी कह देता हूं, मुझे नहीं कहते कि देश के तमाम बहुजन समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो अधिकारों की बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, जो बाबा साहब और
माननीय साहब के करोड़ों अनुयायी हैं उनको और भीम आर्मी के तमाम लोग कहते हैं, आपने किसी का दलाली किया तक? किसी को अधिकार है आपको दलाल कहने का? आप समझो सिर्फ स्वार्थ में कह रहे हैं, अंदर से वो भी जानते हैं कि असली बच्चे यही उन्होंने भी क्या कह दिया कि मिशन को यही आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आशीर्वाद उनका मिलेगा, चिंता मत करो। ये भी आप संघर्ष किसे कहते हैं ये समझाएंगे सब लोग। और जैसे परिवर्तन यात्रा चली थी ना, ऐसे ही पूरे देश में साइकिलों पे, पैदल मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, अब एक महीने बाद मैनेजमेंट बनने के बाद तमाम जगह पे चल के परिवर्तन यात्रा चलेगी और पता लगेगा कैसे परिवर्तन होता है। ये हमारा देश है, हम इसको कमजोर नहीं करने देंगे। आज इसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मजबूती से सामना करें। और माननीय साहब राजीनामे कहते थे कि जब आप संसद में बहुमत में ना हो, आप विधानसभा में बहुमत में ना हो, सड़क पे बहुमत में रहना। अब आंदोलन शुरू हो गए, आपको साथ देंगे, पक्का साथ देंगे। जब बहनों का अपमान होगा सड़क पर आओगे? तो आज के बाद कोई भी स्वागत ना करे, बस साथ दे और पूरी उम्मीद से हाथ को मजबूत करे। बहुजन नौजवानों के तो मैं लिख के देता हूं कि आपका यह सहयोग इस देश में बहुजनों को शासन करने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप इस काम को करें। अब एक बहुत जरूरी बात, किसी पार्टी में आप चले जाओ, पूंजीपतियों की पार्टी है सारी है या नहीं है बताओ, है या नहीं है? किसी को राज्यसभा भेजना है तो इतने पैसे दे दो, किसी को टिकट लेना है तो इतने पैसे दे दो। फिर ये जो काम कर रहे हैं इनको नेतृत्व कब मिलेगा? इस पार्टी में तमाम युवाओं को नेतृत्व मिलेगा जो देश को अब हमसे ये भी कहा जाता है कि युवा तो जानते नहीं है कुछ भी, इनसे राजनीति कैसे होगी? मैं ये कह रहा हूं कि संघर्ष करना तो हम जानते हैं, संघर्ष करना तो हमसे आता है, तो हमें सिखाना क्या चाह रहे हो? दलाली करना, लूट करना, लाशों में राजनीति करना, ये सीखे? ऐसी राजनीति ना करेंगे ना किसी को करने देंगे। हमें ऐसी हमने संघर्ष करना सीख लिया है। आप लोगों को जोड़ना है, सामूहिक नेतृत्व देना है, सबकी बात करनी है, सब लोगों को तैयार करना है, वोट की कीमत को समझाना है, ना बिकने वाला समाज बनाना है, ना बिकने वाले नेता अपने आप स्थापित हो जाएंगे, और जिम्मेदारी से काम करना है। किसी भी कमजोर वर्ग के व्यक्ति को अगर दिक्कत होगी उसके साथ खड़े होना है, अपने आप मूवमेंट तैयार हो जाएगी। और क्या चाहिए मूवमेंट के लिए बताओ? कैडर देने के लिए आपके तमाम नौजवान तैयार हो गए, जो सीनियर साथी जहां बैठे हैं, अभी इनके नाम भी पढ़ूंगा, सबके पढ़ूंगा, ये तमाम लोग बैठे हैं, ये कैडर देंगे ना युवाओं की ऊर्जा और इनका कैडर कैसी चलेगी? हम मिशन चलेगा नहीं, दौड़ेगा। अच्छा, सीमा पे तो नौजवान चाहिए, संसद में बुजुर्ग चाहिए, ऐसा क्यों भाई? जिनमें 24 घंटे की ऊर्जा है उनको उनको भी आगे बढ़ा दो। तो इनके लिए युवाओं के लिए देश के तमाम युवा 51% आबादी, इनके लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। महिलाओं के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है, तो इनके लिए भी सोचना पड़ेगा ना, इसलिए राजनीतिक दल बना। संघर्ष करना तो मानने में सिखा गए थे, अब मीडिया को यह भी होगा कि भाई हम अपनी नीति जाहिर करते हैं, हमारी नीति क्या है, हमारा एजेंडा क्या है। तो इस देश के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना ही हमारा एजेंडा है। भाग दो में लिखी नागरिकता, भाग तीन में लिखे फंडामेंटल राइट, और भाग चार में लिखे नीति निर्देशक तत्व राज्य के, वो सब पूर्ण रूप से सारे आर्टिकल लागू करवाने एक तो हुए हैं, जैसे ओबीसी के लिए हुआ था 47 वाला, जैसे पंचायत राज आयोग हुआ था। कभी बहुजनों के वास्तविक विदेशियों के हाथ में सत्ता नहीं आई, इसलिए ये अमेंडमेंट नहीं हो पाए। ये पूरे संविधान के सारे आर्टिकल लागू किए जाएंगे, आप विश्वास कीजिए ये देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगी, कोई देश का गुलाम नहीं बना सकता। आप
क्योंकि मुझे सबके नाम लेने हैं। आज सबसे छोटा कार्यकर्ता भी मैं हूं, सबसे नौजवान कार्यकर्ता भी मैं हूं, मैं ऐसा ही कार्यकर्ता बनकर रहना चाहता हूं। क्या इसमें आप मेरी मदद करेंगे? मैं ये भी प्रयास करूंगा कि काम ज्यादा है, मैं आप सब लोगों के पास नहीं पहुंच पाऊंगा तो मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? कुछ लोगों के नाम टूट जाएंगे, मैं नहीं ले पाऊंगा, क्या वो मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? इतनी ताकत तो मुझे देंगे ना। मैं सिर्फ एक अवसर चाहता हूं, आप मुझे 5 साल का वक्त दीजिए। अगर बहुजन मूवमेंट हर्ष से अर्थ में ना पहुंची तब मुझे कहिएगा आपने यहाँ लोगों को 20-20 साल दिए। मुझे सिर्फ 5 साल दिया। 2024 भी दूर नहीं है, 2024 में इस सत्ता को भी रोक के दिखाएंगे जो दिल्ली की गति से बढ़े थे। देश के प्रधानमंत्री के लिए तो एक ही लाइन है, योजना आयोग बदल के नीति आयोग कर दी। जितने तमाम लोग जो जानकार थे, सभी चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे वो राजनीतिक मामला हो, या सामाजिक मामला हो, या कोई और मामला हो, उसके जितने विशेषज्ञ थे सबको हटा के नीति आयोग में सारे बीजेपी के मिनिस्टर लगा दिए और अपने आरएसएस से आदमी लगा दिए। देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज देख लो महंगाई कहाँ है, रोजगार कहाँ है, इकोनॉमी कहाँ है, भ्रष्टाचार के हालात देख लो, कानून का जो राज है उसके हालात देख लीजिए, तमाम लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं। सच्चाई ये है कि इनके एजेंडे में देश है ही नहीं, इनके एजेंडे में सिर्फ आरएसएस और भाजपा को ताकतवर बनाना है, पूंजीपतियों को मालिक बनाना है और इस देश में तमाम बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाना है। तो जनाब सुनिए, बहुत हुआ, आप जो भी कानून लाओगे और वो समाज हित में और देश हित में और संविधान के विरुद्ध होगा तो संसद के अंदर की कुर्सी आपकी और संसद के बाहर का रास्ता हमारा। कल भी नहीं डरते थे मुकदमों से, कल भी नहीं डरते थे गोलियों से, और आज भी नहीं डरते और आने वाले कल में भी नहीं डरेंगे। हमेशा कार्यकर्ता बनकर चंद्रशेखर आप लोगों के बीच में काम करेगा और ये तमाम लोग आप इसमें सहयोग करेंगे। इसका क्या बताने बताओ सब लोग, ये जो स्टेज वाले बैठे इनसे मांगा सहयोग, स्टेज पे जो लोग बैठे हैं वो बताओ कार्यकर्ता इस तरह मजबूती से काम करोगे नहीं करोगे मिशन में? तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, इतना समय दिया, 1 घंटा हो, अगर आप अड़ी सिपाही हैं तो बैठे रहे, अगर आप कमजोर सिपाही हैं तो खड़े हो जाएं। और मुझे सब लोगों को सम्मानित करने दीजिए, जो हमारी कमेटी आज संचालक भी नहीं हो गया, मैं ही करूंगा संचालक भाई। हमारे जो राष्ट्रीय कमेटी है उनके 3-4 जिम्मेदार लोग खड़े होकर वहां ज्वाइन कराने काम स्टार्ट करा दे। मैं एक आदमी मेरे पास आ जाए, मैं नाम पढ़ता रहूंगा, आप तमाम ज्वाइन कराते हैं। और भी जिम्मेदार साथी आए हैं जो यहाँ बैठे हैं, वो भी अपने आप को कमजोर ना आके, वो भी अपने आप को छोटा ना आके, भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद है, इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस पार्टी का जिम्मेदार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।